ये है मॉर्निंग व्यू, और मॉर्निंग व्यू में इतना अच्छा चिड़ियों की चहचहाट की जो आवाज़ आती है ना गाइस, मतलब मन खुश हो जाता है। और यहाँ मेरा बाबू भाई और इतनी सारी मुर्गियाँ देखिए, सब खेल रही है, सब मस्ती कर रही है। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वापस इसी ड्रेस में, रीज़न है कि मैं अभी जस्ट ऑफिस आई, मम्मी ने मॉर्निंग में धो दिया था, मैंने पहन लिया वापस से इसी को, क्योंकि मुझे बहुत कम्फर्टेबल लगता है, कॉटन है, बहुत कम्फर्टेबल फील होता है। और मैं अभी बना रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए खाना, जो कि फैमिली का ही हिस्सा है। कल आपको पता है कि हम लोग कल बर्थडे पे गए थे, तो आज मैंने इनवाइट किया है उन सबको, तो सबके लिए खाना बना रही हूँ मैं, सबके लिए खाना बना रही हूँ। एंड चलिए, जो जो लोग आएंगे मैं आप लोगों को मिलाऊंगी, और आपको मेरी फैमिली कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। छोटी है, प्यारी है, वैसे तो फैमिली बहुत बड़ी है, मेरी मायके की फैमिली भी बहुत बड़ी है गाइस। हम लोग तीन भाई बहन, तीन बहन दो भाई, मम्मी पापा, मेरी छः बुआ है, मामा है, बहुत बड़ा परिवार है मेरा। और मैं उन सब से भी मिलाऊंगी, क्योंकि मेरे जाने का बहुत जल्दी प्लान हो रहा है। एक्चुअली हम लोग केदारनाथ का प्लानिंग कर रहे हैं, अगर ये हो गया, अगर भगवान शंकर ने मुझे बुलाया तो मैं ज़रूर जाऊंगी बद्रीनाथ, केदारनाथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ। तो मैं आप लोगों को अपनी पूरी फैमिली से मिलाऊंगी, और ससुराल की फैमिली को तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को कंटिन्यू करती हूँ, ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए बने रहिएगा, बिल्कुल मत जाइएगा। और मैं क्या बना रही हूँ सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, और जितने लोग आ रहे हैं वो भी दिखाऊंगी, है ना, तो इसलिए ब्लॉग में बने रहिए। क्या कर रही है? खाली दांत निकाल रहे, देखो क्या हो गया। नहीं, दूर से देखो, है नहीं करने का। देखो तुम क्या लगाई है, ये क्या है, टीका? टीका लगाई है। बाबू भाई, अरे बाबू भाई, अरे बाबू भाई सोया हुआ है। क्यों इतना गुस्सा हो गया, क्या हो गया रोहित, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो, बड़ा माँ को नहीं बोलेगा, बोलो क्या, ऊपर आएगी, तो रुको जरा, जोर से हंस दो, हंस दो, अंकिता हंस दो, ये हंसो, हंसो, सबको बोले हाय करो, रोहित हाय करो, हाय हाय हाय, ऐसे हाय करो, हाय। क्या नाम है? इसका नाम अंकिता है, इसका नाम रोहित है। कल हम लोग रोहित के बर्थडे में गए थे ना रोहित, कितना मस्ती किए थे, बहुत ज्यादा। फिर अभी डिज्नीलैंड लगेगा ना मेला, हम लोग फिर मेला भी जाएंगे, ठीक है, हम लोग सब मेला जाएंगे, गाड़ी में बैठ के, बड़ा वाला गाड़ी में जाएंगे ना अंकिता, बड़ा वाली गाड़ी में जाएंगे ना, पापड़ खाएंगे, चलो मैं पापड़ छानती हूँ, ठीक है, छान देते हैं। और यहाँ पे बेबी बिछ गया है सबके खाने के लिए, यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया है। रात के 12:45 हो रहे हैं, चलिए सोती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से। Tomorrow. ये सब उठ गए हैं सुबह 6 बजे ही, जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, बताइए इनको घर जाने की कितनी जल्दी है। तो मॉर्निंग का व्यू देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। और आ गए हम लोग इन्हें बस स्टैंड पे छोड़ने के लिए, तो सोचा चलो बस में भी बैठा देते हैं तभी घर जाते हैं, तो इनको हमने बस में बैठा दिया है, तो अब हम लोग घर निकलते हैं। तो गाइस, सबको हमने बस में बैठा दिया है, सब चले गए हैं, घर बिल्कुल खाली हो गया है, वापस से हम तीन लोग हो गए हैं घर में। एंड आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो बताइएगा मुझे, बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई उनके सामने, रीज़न इज दैट कि उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मैंने एक दो बार करने की कोशिश की, बट मुझे लगा कि वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं इसीलिए। और इस बार मुझे ज़्यादा अच्छा पता है क्यों लगा, रीज़न था कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने मन की बात, कि
जब मेरी शादी हुई थी ना, तो एक्चुअली मेरी लव मैरिज है और मैं बिहारी हूँ एज अ सिन्हा एंड मेरे हस्बैंड महतो हैं। तो मेरे परिवार में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड के परिवार में मुझे एक्सेप्ट करने में इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ और कोई भी हमारी शादी में नहीं आए थे, कुछ नहीं था। तो अभी सब परिवार के लोग धीरे धीरे आना चालू किए हैं और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक बहू होने का ड्यूटी अपना अच्छे से निभा पाऊँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊँ जितना मुझसे हो पा रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि मैंने मेरे घर में मम्मी को हमेशा देखा हुआ है सबको करते हुए, सबके लिए खड़े होते हुए, तो वो चीज़ मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स से ही आई है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि बेटा सबको लेके चलो, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबको लेके चलूँ, कोई मुझसे नाराज़ ना हो और कोई मेरी वजह से अनकम्फर्टेबल भी ना हो, ये भी मेरी अपनी ड्यूटी समझती हूँ। तो अच्छा लग रहा है गाइस कि धीरे धीरे परिवार के लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और शायद मैं उनके दिल में जगह भी बना लूँगी। तो ये अच्छा लग रहा है मुझे। एंड बहुत दिनों के बाद थोड़ा भरा भरा परिवार जैसा फील हुआ, और आपको मैंने अपना ससुराल परिवार जैसे धीरे धीरे मैं दिखा रही हूँ, वैसे ही मैं आपको अपना मायके परिवार भी दिखाऊँगी। मैं मेरे पापा मम्मी भाई बहन सबको दिखाऊँगी। मेरा बहुत बड़ा परिवार है मायके में भी, और ससुराल में भी बहुत बड़ी सास है, उनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं और तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, बेटे की भी शादी हो चुकी है, सब अपने अपने घर में हैं। और मेरे ससुर जी का जो घर बना हुआ है वहाँ पे बड़े वाले भैया रहते हैं, हमारा भी अपना वहाँ पर है, बट हम ये वाला जो है हम अभी रह रहे हैं ये मेरे हस्बैंड ने खुद बनाया है घर, तो हम यहीं रह रहे हैं। तो इस यही है गाइस, तो सब अपने अपने घर में मस्त है, और अगर जैसे जैसे सब आएंगे तो वैसे वैसे मैं आप लोगों को मिलवाती जाऊंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको अपना पूरा परिवार, हमारे घर का कल्चर सब कुछ दिखाने वाली हूँ। और मेरे ससुराल परिवार का मुझे सबसे अच्छा चीज़ पता क्या लगा कि गांव के लोग हैं, काफ़ी सिंपलिसिटी रहन सहन है, काफ़ी सिंपल लोग हैं, मन में कोई छलकपट नहीं है, जो दे दो खा लेते हैं, जैसे दे दो रह लेते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं सीरियसली मैं ऐसी हूँ, और मैं अब मेरे मायके वाले थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मायके वालों से थोड़ी सी मैं अलग हूँ। रीज़न इज़ दैट कि मैं बहुत सिंपल हूँ और मुझे दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद है। तो थैंक गॉड मुझे ससुराल वैसा मिला है, ससुराल में सब लोग वैसे हैं। और वो जो नानी माँ आपने देखी थी ना, वो मतलब मेरे देवर की नानी सास हैं, उनको देखे ना मुझे मेरी नानी याद आ गई मेरी नानी याद आ गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, बस स्टैंड में मैंने उनको सिर्फ 250 ग्राम अंगूर खरीद के दिए, उन्होंने मुझे इतने सारे आशीर्वाद दिए ना गाइस कि मैं क्या बोलूँ। तो अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, अपनापन फील हुआ मुझे, और भगवान मुझे इतना दे कि मैं कर पाऊँ सबके लिए। बस यही बोलूँगी कि जो भी मुझसे उम्मीद लेके हैं, जो भी ये सोचते हैं कि हाँ हमारी घर की बहू है, या जो भी मुझसे एक नज़र उम्मीद से देख रहे हैं, भगवान मुझे इतना दे कि मैं सबकी उम्मीद पूरी कर पाऊँ, बस यही बोलूँगी। और आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे इस चीज़ के लिए भी कि मैं अपने परिवार के लिए, हर किसी के लिए, मायके के लिए, ससुराल के लिए, सबके लिए मैं कर पाऊँ। तो बस यही है मेरी छोटी सी स्टोरी। कभी अपने बारे में और भी बहुत कुछ बताऊँगी धीरे धीरे, मेरी पढ़ाई, मेरा सब कुछ आपको बताऊँगी। बट आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और मेरे वीडियो में आपको एकदम सिंपल चीज़ें देखने मिलेगी गाइस, जो एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, मिडिल क्लास घर में होता है, परिवार, रिश्तेदार, सब कुछ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिएगा, प्यार बांटिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को अगर आपको सिंपल चीज़ें पसंद है, रियलिटी पसंद है ना, डाउन टू अर्थ पसंद है, तो मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।